दुष्कर्म में बढ़ती कर रहा है और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। यूपी की ज्योति मोरिया का मामला सलटा नहीं कि अब एक और मामला सामने आ गया है। आपको बताते चले कि ज्योति मोरिया अखबारों की सुर्खियां अभी तक बटोर रही है, लेकिन अब एक ताज़ा मामला सामने आ गया है झारखंड से। दरअसल झारखंड के एक शख्स ने दावा किया है कि उसने अपनी पत्नी को मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया और नर्स बनाया, अब उसने इसके साथ रहने से इनकार कर रही है। शख्स का ने दावा किया है कि उसने अपनी पत्नी को पढ़ाया और 4.5 लाख रुपए खर्च किए। वहीं पति ने इस मामले में पदाधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। आगे बताते चले कि मामला साहिबगंज जिले के बोरियो प्रखंड अंतर्गत बांझी बाजार का है। शख्स का कहना है कि उसने अपनी पत्नी की पढ़ाई के लिए गुजरात में नौकरी की, ट्रैक्टर चलाई और 4.5 लाख रुपए खर्च कर उसे नर्स बनाया। वहीं जब पत्नी को नौकरी लग गई तो वह अपने पति के साथ रहने से इनकार कर रही है। शख्स का कहना है कि उसकी पत्नी 14 अप्रैल से लापता है। वह घर से ज्वेलरी और 28,000 रुपए लेकर फरार हो गई है। इस मामले में शख्स ने जब जिला अदालत, डीसी और पुलिस अध्यक्ष के पास आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित शख्स का नाम कन्हाई पंडित है। कन्हाई की शादी 2009 में बोरियो प्रखंड के ही तेलो बथान टोली की कल्पना कुमारी से हुई थी। शादी के बाद कल्पना ने आगे की पढ़ाई की इच्छा जाहिर की। कन्हाई ने पहले तो पैसे ना होने के कारण बहुत मना किया, लेकिन फिर अपनी पत्नी की जिद के आगे मान गया। भाई का कहना है कि उसने कल्पना का दाखिला सिबू सोरेन जनजातीय महाविद्यालय में करा दिया। उसके बाद उसने 5 साल तक पढ़ाई की और फिर नर्सिंग ट्रेनिंग लेने के इच्छा जाहिर की, जिसके लिए कन्हाई उसे जमशेदपुर स्थित नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में ले गया और 2 लाख रुपए नगद फीस का भुगतान किया। कल्पना ने वहाँ से 2 साल और ANM की ट्रेनिंग ली। आगे बताते चले कि पति का कहना है कि उसकी पत्नी ने ही उसे समझाकर बाहर कमाने के लिए भेज दिया था, जिसके बाद कोरोना के समय में भी उसकी पत्नी ने उसे घर आने से मना कर दिया। इस दौरान उसकी पत्नी ने बताया कि घर में आग लग गई थी, जिसके कारण वह घर का सारा सामान अपने मायके ले चली गई है। वहीं जब मार्च 2023 में पति वापस घर आया तो उसे अपनी पत्नी का व्यवहार सही नहीं लगा। पत्नी काम का बहाना हमेशा बनाती रहती थी और कन्हाई का कहना है कि 14 अप्रैल को उसकी पत्नी अपने मायके चली गई, जिसके बाद अब तक वापस नहीं लौटी है। बता दें कि कन्हाई ने साहिबगंज जिला अदालत, उपायुक्त और SP के पास शिकायत दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई है। उसकी मांग है कि पत्नी वो सारे पैसे उसे लौटा दे जो उसने उसकी पढ़ाई पर खर्च किए हैं, उसे उसके बेटे की कस्टडी वापस मिले और घर जलने के बाद जो सामान कल्पना अपने मायके ले गई थी वह उसे सही सलामत वापस लौटा दे। तो ये थी कन्हाई की कहानी, जहां वह मजदूरी करके ट्रैक्टर चला के अपनी पत्नी को नर्स बनाया और नर्स बनने के बाद पत्नी अपने पति के साथ रहने से इनकार कर देती है और साथ ही साथ पति अब अन्याय की गुहार लगाते फिर रहा है। पति का कहना है कि वो अपने बच्चे की कस्टडी लेना चाहता है, जिसके बाद उसकी पत्नी देने से इनकार करिए। साथ ही साथ बता दें, पति का कहना है कि घर जलने के समय जितना भी सामान उसने मायके लेके गई थी वो सामान भी उसे सही सलामत लौटा दे। वैसे आपका क्या कुछ कहना है इस पति को लेकर, कमेंट करके जरूर बताएं। और भी वीडियो और खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। न्यूज़ फॉर नेशन, नमस्कार।